होनहार पुत्र। एक सुबह रामदीन अपने वृद्ध पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था कि उसका पुत्र बोला, पिताजी आप दादाजी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा शहर में ले जा रहा हूँ, मैं भी शहर चलूंगा। लड़का जिद करने लगा, नहीं बेटा तू यहीं ठहर, तुझे तेरी माँ अच्छे अच्छे पकवान देगी। रामदीन ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, भीतर चल बेटा, कल तेरे बापू मिठाई लाए थे, वह खाने को दूंगी। उसकी माँ ने भी प्रलोभन दिया, मगर लड़का नहीं माना और भागकर अपने दादाजी की गोद में जा बैठा। अजीब मुसीबत है, अब इसे भी साथ ले जाना पड़ेगा, रामदीन ने झुंझलाते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने पर रामदीन ने एक कब्रिस्तान के आगे अपनी गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से नीचे उतर गया। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वह कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी वहां आ पहुंचा। तू यहाँ क्यों आया? जा अपने दादा के पास जा, रामदीन ने उसे धमकाते हुए कहा। यह तुम क्या कर रहे हो बापू? लड़के ने मासूमियत से पूछा। जमीन खोद रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? क्यों बापू, यहाँ कुछ गाढ़ा है क्या? लड़के ने पूछा। रामदीन ने सोचा, लगता है इसे सच बात बतानी ही पड़ेगी। फिर वह बोला, बेटा मैं तुम्हारे दादा के लिए कब्र खोद रहा हूँ। दादाजी के लिए? लेकिन वे तो अभी जिंदा हैं। लड़के ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। हाँ लेकिन वे इतने बूढ़े हो गए हैं कि बोझ लगने लगे हैं, वैसे भी वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए तुम्हारी माँ और मैंने सोचा कि उन्हें अभी से दफना देने में क्या हर्ज है। रामदीन ने उसे समझाया। ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया बापू, जो मुझे बता दिया, लड़के ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा राजू यह किसी को नहीं बताएगा। थोड़ी देर के लिए फावड़ा मुझे दोगे बापू? लड़का बोला। रामदीन ने उसे फावड़ा थमा दिया। पता नहीं क्या करना चाहता है ये। फिर उसने अपने लड़के का पीछा किया। लड़का कुछ दूर जाकर फावड़े से जमीन खोदने लगा। ये क्या कर रहे हो बेटा? जमीन खोद रहा हूँ बापू, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, लड़के ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं बेटा, रामदीन असमंजस में पड़ गया। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी कब्र खोदूंगा, तो तुम्हें बाहर इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही कब्र खोद रहा हूँ ताकि तुम्हें दादाजी की तरह इंतजार ना करना पड़े। मैं तुम्हें यहाँ लाकर सीधे इस गड्ढे में धकेल दूंगा। क्या तुम मुझे जिंदा दफन करोगे? रामदीन झुंझला उठा। बापू तुम भी तो दादाजी के साथ ऐसा ही करने जा रहे हो, मैं भी परिवार की परिपाटी को निभाऊंगा। हे भगवान मैं कैसा अनर्थ करने जा रहा था। बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, तूने मुझे भयानक पाप करने से बचा लिया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इतना कहकर रामदीन अपने पिता को घर ले गया और जीवन भर उनकी अच्छी देखभाल और सेवा की। शिक्षा, बच्चों का मन कोमल होता है, उस पर जैसी छाप छोड़ी जाए वैसा ही बना रहता है। रामदीन अपने पिता के लिए कब्र खोद रहा था तो रामदीन का बेटा उसके लिए। तभी तो कहा गया है कि दूसरों को गिराने के लिए कुआं खोदोगे तो स्वयं के लिए खाई तैयार मिलेगी।